आंखों देखे मक्खी तो मैं किसी को भी नहीं निकलवा सकती। और मैं किसी को हरगिज हरगिज धोखा नहीं दूंगी। भैया अल्लाह को मर के मुझे भी मुंह दिखाना है, ईमान है मेरे पास। मेरी बेटी बिल्कुल पारसा है सलमा। कुछ ऐसा वैसा? अरे कुछ होने हुआने को तो छोड़ ही दे, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है इसे। क्या देखा है? रोज आना ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती थी, ऐसी कोई अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता मुफ्ते में, समझदार हैं आप भी। अरे वो तो सितारा के शौहर की गाड़ियां है ना, बहनोई है, वो तो छोड़ने आ सकता है। सितारा के मियाँ को ना मैं बखूब पहचानती हूँ। जानती हूँ मैं उसको, ये कोई और लड़का था और ये वो लड़का था जिसके साथ की घूमती फिरती थी। देखो सलमा, ऐसे बहुतान ना लगाओ मेरी बच्ची पर। देखो तुम्हारे आगे भी बेटी है। अच्छा अच्छा जब खुद सितारा पे बहुतान लगाती थी तब बेटी का ध्यान कहाँ था? नहीं थी तुम्हारी बेटी उसका है? मैं तो हालांकि इल्जाम भी नहीं लगा रही, मैं तो वही बता रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कोई बहुतान नहीं लगाया सितारा पर, वो सब तो सच था। सच झूठ की ना हमें भी पहचान है भाभी। गुनाहगारों की नजरें ऐसे ही झुकी होती हैं। और सितारा निडर लड़की थी, आंखों में आंख डाल के बात करती थी वो हमेशा। अच्छा तुम छोड़ो ना सितारा को, मेरी परेशानी समझो ना सलमा, मेरी बहन। कोई अच्छा रिश्ता बताओ किरण के लिए। अच्छा अच्छा तो रहने दे, इसे रिश्ता मिल जाए वही बड़ी बात है। रिश्ता ही बता दो। अच्छा माजिद की बहन से पूछती हूँ। वही अभी तक बेआसरा घूम रहा है। माचित? नहीं सलमा, थोड़ा तो ढंग का कोई। अरे भाभी वही आप वाली बात, अच्छा भला लड़का तो है। अरे भाई बाहर चली जाएगी, ऐबों पे भी पर्दे डल जाएंगे। लेकिन आप, आपके तो मिजाज ही बड़े ऊंचे ऊंचे आला हैं, क्या कर सकता है इंसान।
आप जल्दी आ गए आज? चलता करो इन्हें।